एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनुज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह आ गई। मैंने सुबह उठ के बच्चों के लिए टिफिन वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया है मैंने, और पीछे निकली तो देखिए कितना पानी गिर रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है, और मैंने कुछ दिन पहले ही गार्डन की सफाई की थी, लेकिन ये फिर से बहुत गंदा सा हो रहा है। और ये देखिए, वो लेमन ग्रास दिख रहा है ना आपको, वो लेमन ग्रास ना मैं आज निकाल के फेंक दूंगी। बहुत जंगल हो रहा है, उसमें ना बहुत शेल्स भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी दूसरे प्लांट्स भी ख़राब हो रहे हैं। अब मैं पहले तो बच्चों को तैयार करती हूँ, उन्हें बस स्टॉप छोड़ने जाना है, लेट हो जाएगा, नहीं तो मैं उनको छोड़ के आऊँगी फिर ये काम करूँगी। जल्दी बेटा, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ। बारिश बहुत हो रही है। पहले तो मैंने सोचा था कि नहीं भेजूंगी बच्चों को स्कूल, फिर मैंने सोचा कि नहीं जाने देती हूँ, एग्ज़ाम भी है 20 से, तो रिवीजन भी चालू है स्कूल में, तो फिर तैयार कर दिया मैंने उनको। रायमा, रायमू, 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 इधर देखो, इधर देखो। देख ही नहीं रही है। और ये निकल पड़ी शांति निकेतन की बस। मेरे बच्चे निकल गए स्कूल के लिए, और मैं भी अब जाऊंगी जल्दी जल्दी घर जाके, पहले तो गार्डन की सफाई करूंगी, बहुत टाइम लगेगा उसमें। और ये देखिए, मैंने पूरा गार्डन क्लीन कर दिया। अभी एक साइड, लेफ्ट साइड में अभी भी पूरा कचरा पड़ा हुआ है, मतलब कचरा नहीं, घास मतलब हुआ पड़ा है, उसको बाद में करूँगी। और ये देखिए, मैंने वो लेमन ग्रास ना निकाल के फेंक दिया। फ्रेंड्स, बताओ, उसके अंदर मैंने ऐसे ही ग्रास को हटा के थोड़ा सा हाथ से ऐसे फैला के देखा, उसके अंदर गिरगिटों ने अंडे दे के रखा था, तो शुक्र है कि मैंने पहले ही उसको निकाल दिया, अंडों से गिरगिट के बच्चे निकलने के पहले, तो अब साफ हो गया पूरा। और ये देखिए करी प्लांट मेरा, और मैंने इसमें बडिंग की हुई है, और ये शायद से चल जाएगा, और इसको ना मैं बाद में गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब मैं जाऊँगी दोपहर का खाना बनाऊँगी। फ्रेंड्स, आज ना मैं टिंडे की सब्जी बनाऊंगी, थोड़े अलग तरीके से बनाऊंगी। मतलब टिंडा इतना टेस्टी बनेगा ना कि मैं क्या बताऊं। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टिंडे को छील लिया, उसको काट लिया, अच्छे से धो लिया, और मैं इसको ना कुकर में डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको एक विसिल आने दूँगी, और एक विसिल आने के बाद उसको तुरंत खोल दूँगी, उसको कुकर में नहीं रखूँगी, खोल के बाहर निकाल लूँगी। और ये देखिए, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और इसमें जीरा डाल दिया, जीरा तड़कने दूँगी, और इसमें प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह ऐड करके उसको अच्छे से भूनूँगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें तेल मसाले अपने हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा चटपटा भी कर सकते हैं, और प्याज लहसुन वगैरह का पेस्ट बना के भी आप इसमें डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने पेस्ट इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसको पकने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने पेस्ट नहीं बनाया था। और मैंने इसमें टमाटर और ये गांठिया होता है ना, वो थोड़ा सा डाल दिया है। ये एग्जैक्टली गांठिया नहीं है, नमकीन के अंदर ये होता है, छोटे छोटे गांठिया जो होते हैं ना, ये वही है। मेरे बच्चे खाते नहीं हैं नमकीन में, तो मैं उसको अलग रख देती हूँ, और जैसे ग्रेवी वाली सब्जी बनानी होती है तो मैं उसमें ऐड करती हूँ इसे। और मैं इसमें सारे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और ये है किचन किंग का गरम मसाला जो आता है एवरेस्ट का, वो मैं डाल दूँगी एक चम्मच के करीब। और ये देखिए, बस इसमें अब मुझे और कोई मसाला ऐड नहीं करना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पका लूँगी तेल छोड़ने तक। इसको थोड़ा मैं ढक के पकाऊंगी ताकि जो गांठियाँ डाली हुई है मैंने वो अच्छे से गल जाए और मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बहुत अच्छे से पका लिया, ढक के पकाया था तो गांठियाँ भी गल गई हैं, और इसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, और ये पक के तैयार है। और अब ना मैंने इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास एग्जैक्टली धनिया पत्ता था नहीं तो मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है। आप कसूरी मेथी डालें तो धनिया पत्ता ना डालें, क्योंकि फिर दोनों का
टेस्ट थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। मुझे कसूरी मेथी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने कसूरी मेथी डाला है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना बहुत अच्छे से पक गई है। तेल छोड़ने तक ही हमें मसाले को पकाना है। जब तक कि तेल ना छोड़े आप मसाले में सब्जियां ऐड मत कीजिएगा। और अब मैं इसमें टिंडा ऐड करूंगी। और ये देखिए, मैंने टिंडे को उतना ही पकाना है कि बस टिंडा टूट जाए। बस मैंने एक विसिल लगा के तुरंत विसिल खोल दिया था। और मैं इसमें सोयाबीन की बड़ी ऐड करूंगी फ्रेंड्स। सोयाबीन की बड़ी टिंडे में डालने से टिंडे का टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है ना फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। आपको लगेगा ही नहीं कि आप टिंडा खा रहे हो, बहुत टेस्टी बनती है। मैंने भी जब इसे फर्स्ट टाइम बनाया था ना, मैंने भी बिलीव नहीं किया था कि ये इतना टेस्टी बनेगा। और ये देखिए, मैंने ना इसमें दो हरी मिर्च बस तोड़ के डाल दी है। मेरे बच्चों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है, तो मैं उसी हिसाब से बना रही हूँ। अदरवाइज़ ये और चटपटा बन सकता है, जो थोड़ा तीखा और वो मसाले वगैरह और ज़्यादा डालेंगे तो। और ये देखिए, मैंने ना इसको ढक ढक के अच्छे से भून लिया है। फ्रेंड्स, आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हो। जिन्हें सूखी सब्जी पसंद है वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मुझे थोड़ी तरी चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है इसमें। और इसे बस 2-5 मिनट के लिए ढक के पका लूँगी और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना बनके बिल्कुल तैयार है, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और देखिए, इसने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, मतलब कि ये पूरी तरीके से बनके तैयार है। और मेरा शॉपिंग भी आ गया है स्कूल से, अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो मैं उसे खाना खिलाऊंगी। और ये देखिए, मैंने परोस दिया। ये है मेरे टिंडे और सोयाबीन की सब्ज़ी। और साथ में मैंने रखा है दही, गाजर, राइस गर्मा गर्म और चिचिंगे की सूखी सब्जी है ये। और ये मैं अब लेके जाऊंगी शौबिक को खिलाने के लिए। सबसे पहले मैं चिचिंगे की सूखी सब्जी से उसको खिलाऊंगी। अगर मैं पहले उसको टिंडे की सब्जी और ये सोयाबीन की बड़ी वाली सब्जी जो अगर मैं उसको खिलाऊंगी ना, तो वो चिचिंगे की सब्जी नहीं खाएगा तो मैं पहले इसी से उसको खिलाऊंगी। जल्दी खाओ। मैं मेरे बच्चों को हर तरह की सब्जी खिलाती हूँ। मेरे बच्चे सब तरीके की सब्जी खाते हैं, बस तीखा कम होना चाहिए। रायमा को देखिए, गाजर खा रही है, इसने पहले ही खा लिया था खाना। और ये देखिए मेरी रायमा खरगोश, इनको गाजर बहुत पसंद है। देखिए, गाजर खा रही है और टीवी देख रही है। और अब मैं उसको खिलाऊंगी टिंडे की सब्जी से, तो देखते हैं उसको पसंद आती है कि नहीं आती। कैसे है? आज मेरे शौबिक ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। उसने बिल्कुल भी नखरे नहीं किए कि मम्मा और नहीं खाना और नहीं खाना। बहुत अच्छे से उसने खाना खा लिया। मेरी मेहनत आखिरकार सफल हो गई, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से खाना खा लिया। और ये देखिए, उसने पूरी थाली सपाचट कर दी, अब वो दही खा रहा है, उसकी मील पूरी हो गई है। और आज का ब्लॉग यहीं तक का था फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।